आप सभी को बता दें कि थावे से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है और लंबी दूरी की ट्रेनें अब थावे से चलने वाली हैं। और कहां से चलेगी, कौन सी ट्रेन है, कहां कहां ठहराव है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको बता दें कि थावे से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए हमेशा से मांग रहा है कि थावे से लंबी दूरी की ट्रेनें चलें ताकि यहाँ से सफ़र करने वाले जो भी यात्री हैं उन्हें जाने में आसानी हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए छपरा से थावे होकर उधमपुर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और इस ट्रेन का जो ठहराव है, कहाँ कहाँ होने वाला है, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपको बता दें कि छपरा से स्पेशल ट्रेन 051993 छपरा सहित कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर विशेष गाड़ी 10 तारीख से 31 अगस्त 2024 तक छपरा से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी। छपरा कचहरी, मसरख, दिघवा दुगौली, थावे, तमकोही, पड़रौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, सहजनवापुर, बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, सहारनपुर, यमुनानगर, अंबाला कैंट, टंडारी कला, जलंधर, पठानकोट, कठुआ, जम्मू तवी होते हुए यह ट्रेन उधमपुर को जाएगी। अब इस रूट में जिन भी यात्रियों का सफ़र करना है उनके लिए अच्छी खबर है, इस ट्रेन से इस रूट पे ये लोग आसानी से अब जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह स्पेशल ट्रेन है, कुछ दिनों के लिए इसको चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह ट्रेन अस्थायी रूप से चलाई जा रही है, कुछ समय के लिए इस ट्रेन का परिचालन किया गया है, तो ये अच्छी खबर है। अगर इन दिनों अगर आप यात्रा करना चाहते हैं थावे से होकर या थावे कप्तानगंज पड़ौना मसरख के रास्ते, अगर इन इस रूट पे अगर इन ट्रेनों से सफ़र करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। 051993 छपरा उधमपुर विशेष गाड़ी है ये, और ये थावे होकर चलाई जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस रूट पे हमेशा से मांग रहा है कि इस रूट पे इस ट्रेन का परिचालन हो, तो अब जाके इस रूट पे 2 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, एक लाल कुआं से हावड़ा थावे होके जा रही है और एक ये छपरा से उधमपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये बड़ी अपडेट है अब सभी के लिए जिन यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करना है। इस विशेष गाड़ी का 10 तारीख से 31 तारीख तक ही परिचालन है और काश की ये ट्रेन हमेशा हमेशा के लिए इस मार्ग से चलते या इस मार्ग से बाकी और भी कई सारी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिनको गुजरना चाहिए। थावे से दिल्ली के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, मुंबई के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, गुजरात के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, बनारस के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, अयोध्या के लिए ट्रेनें होनी चाहिए। इन तमाम शहरों के लिए थावे से मांग रहा है कि इन तमाम शहरों के लिए थावे से एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होना ही चाहिए। कई वर्षों से लोग इसी इंतज़ार में हैं कि कब थावे से इन रूटों पे ट्रेनें दौड़ेंगी और कहीं ना कहीं अब जाके थोड़ा राहत मिल रहा है। हालांकि पहले थावे जो जंक्शन था उसका प्लेटफॉर्म बहुत छोटा था जिससे लंबी दूरी के ट्रेनों का ठहराव वहाँ पे नहीं हो पाता था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म को बड़ा कर दिया गया है। अगर आप थावे जाएंगे तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ जो प्लेटफॉर्म है उसको और बड़ा किया गया है ताकि जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उन तमाम जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी हो पाए। इसमें आपको ये भी बता दें कि इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगने वाले हैं। इस गाड़ी में जनरेटर सह लगेज यान का 1 रहेगा, SL LRD का 1 रहेगा, साधारण द्वितीय श्रेणी का 3 रहेंगे, स्वयं यान के 8 रहेंगे, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी 8 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी 1 कोच सहित कुल 22 कोच इस ट्रेन में लगाए जाएंगे। छपरा, मसरख, दिघवा दिघौली, थावे, तमकोही पड़ौना, इस रास्ते कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा के रास्ते सीतापुर, सहजनवा, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर होते हुए जलंधर, अम्बाला, पठानकोट होते हुए जम्मू तवी होते हुए अगर उधमपुर की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आपके अपने ग्रामीण क्षेत्र थावे से यह ट्रेन आपको मिलेगी। थावे में हम आपको बता दें इस ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 5:05 है और इस ट्रेन को आप शाम 5 बजे थावे से पकड़ सकते हैं। साप्ताहिक ट्रेन चलेगी ये, और अभी इसका किस किस दिन को चलेगी इसका अपडेट होना है, जैसे अपडेट्स होंगे
आपको IRCTC पे आपको देखने को मिल जाएगा, या वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी थामे को लेके क्या कुछ आपका क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थामे से और कहाँ कहाँ की ट्रेनें होनी चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।